प्रदेश विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस महज 66 सीटें ही जीत पाई थी। बीजेपी ने 163 और एक सीट पर भारत आदिवासी पार्टी के कैंडिडेट ने जीत दर्ज की। कांग्रेस की करारी हार के बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह से लेकर तमाम सीनियर लीडर ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। चुनाव जीतने वाले कांग्रेस विधायकों ने उनकी जीत के कारण और ईवीएम को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जहां हमें वोट मिलने थे वहां बीजेपी को वोट मिले। बहुत सारे लोग ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कांग्रेस के पृथ्वीपुर से विधायक नितेंद्र सिंह राठौर ने ईवीएम को लेकर कहा, अगर लोगों को शक है तो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े विकसित देश ईवीएम लागू होने के बाद अब बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं। वहीं मनावर से विधायक डॉक्टर हीरालाल ने कहा, बीजेपी ने ये चुनाव पूरी तरह से फर्जीवाड़े से जीता है। भाजपा और निर्वाचन आयोग ने जो फर्जीवाड़ा किया, देश के इतिहास में अब तक जो इलेक्शन हुए हैं उनमें सबसे बड़ा है। डुप्लीकेट वोटर बना दिए गए। इस फर्जीवाड़े के बावजूद मनावर विधानसभा में चुनाव जीतकर हमने ये साबित कर दिया है कि हमने बीजेपी उम्मीदवार को नहीं, बीजेपी आरएसएस और नरेंद्र मोदी को हराया है। वहीं आपको बता दें कि झाबुआ से कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने ईवीएम को लेकर कहा, हमने जो अपेक्षा की थी बिल्कुल भी वैसे परिणाम नहीं आए, जनता खुद मायूस है, इस तरह के परिणाम कैसे आ गए। मेरा ये कहना है कि अगर ईवीएम पर सवाल उठता है तो जांच और बहस करने के लिए चुनाव आयोग समय क्यों नहीं देता। जहां हमें वोट मिलना चाहिए था वहां हमें वोट नहीं मिला। ईवीएम में कुछ तो गड़बड़ी हुई है जिससे बीजेपी जीती है। आपको बता दें कि इससे पहले एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी ईवीएम पर सवाल उठा चुके हैं, जिसमें उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया था।